गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे कि हम लोग DSSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, क्योंकि जनरली हाउस वाइफ जो होती हैं और जो नॉन वर्किंग होते हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं घर पे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अपना हम लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन बट बिलीव मी, अगर आप लोग अपने कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे, उसको रोज़ अपने नियम से पढ़ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऐसा नहीं है कि DSSSB की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का आता है, 10 से 12 घंटे करने की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम 10 घंटे पढ़ तो रहे हैं, आपको एक्चुअली में ये नहीं देखना है कि आप कितने घंटे पढ़े हैं, आपको ये देखना है कि आप उन घंटों पे आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया या कितने चैप्टर्स किए हैं। तो इट डजेंट मैटर, बोलते हैं कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी, हमने सुना होगा कि क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो आप लोग भले ही 4 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, पर उसमें आप लोगों को ये देखना है कि आपको टारगेट लेके चलना है कि इस इतने घंटे के अंदर मुझे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। अगर आप ये करेंगे कि मैं 12 घंटे बुक लेके बैठी थी या बैठा था लेकिन मेरे चैप्टर्स 2 ही करे मैंने 12 घंटे में, सी इट इज़ यूजलेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, रेगुलर अपने रेगुलर टाइम स्केड्यूल से 5 से 6 घंटे ज़रूर निकालने हैं फॉर दी स्टडीज़, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे ट्यूसडे तो पढ़ाई करी और वेनेसडे थर्सडे हम भूल गए, या वेनेसडे थर्सडे गेस्ट आ गए तो हम लोग नहीं कर पाए या हमारा मूड नहीं हुआ, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट सेम। आपको पता है कि किसी दिन क्या होगा, हमारा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है और किसी दिन बिल्कुल बुक खोलने का भी मन नहीं करता है। सेकेंड, आप लोग जब भी रात को सोएं तो आप लोग अपने नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाएं। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए कि रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट इतना दीजिए कि कल मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और मेरे को ये किसी भी कॉज पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप रेगुलर टाइम टेबल मत बनाइए, आप एक दिन अगले दिन का टाइम टेबल एक दिन एडवांस में बनाइए। देन फेथ इन योर सेल्फ, आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना तो डेफिनेटली आप लोग एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। दैट इज़ माई बिलीव, मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। इवन अपने से ज़्यादा भरोसा आप लोगों को किसी पे नहीं करना चाहिए। थर्ड, सेल्फ मोटिवेशन, यू आर योर सेल्फ मोटिवेटर। आपको किसी भी पर्सन की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है फॉर स्टडीज़। देन कोचिंग में आप भले ही आप कोचिंग ज्वाइन कर ले या कुछ भी आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन कोचिंग करें, सी देव कैन ओनली गिव यू डायरेक्शन, वो आपको डायरेक्शन देंगे कि ऐसे चलना है, बट चलना तो आपको खुद ही है। सो इट्स बेटर फॉर मी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो यू शुड गो फॉर सेल्फ स्टडीज। अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस देनी है, आप लोग फ्री यूट्यूब क्लासेस ले सकते हैं, एंड आई कैन ऑलवेज रिकमेंड यू द चैनल। देन ऑब्स्टेकल्स, आप पूरे दिन में जब आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या डिस्टर्बेंस आई, और मिनिमाइज करना है आपको उन डिस्टर्बेंसेस को। नेक्स्ट डे आपको ये करना है कि अब ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं तो मैं इसको कैसे रिमूव कर सकती हूँ, कैसे रिमूव कर सकता हूँ। बिलीव मी, अगर आप लोग ये रूल्स फॉलो करेंगे, अगर आपके अंदर आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है कि इस बार मुझे DSSSB निकालना है तो निकालना है, सब कुछ भूल जाइए 3-4 महीने के लिए, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करिए। एंड वन मोर थिंग, चाहे आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे PGT के लिए, चाहे PRT के लिए, एक शीट पे आप लोग लिख के रखिए टारगेट DSSSB, और उसको जहाँ जहाँ पे आप जाते हैं रेगुलर पे वहाँ वहाँ वो एक स्ट्रिप लगा लीजिए, और जब उसको आते जाते हैं आप देखेंगे ना, आपको एक्चुअली में मोटिवेशन मिलेगी और आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, आपके माइंड में वो चीज़ इतना बैठ जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।